Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of Mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि thumbnail से ज्ञात हो गया है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से trigonometrical ratios पर बेस्ड कुछ questions करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्राइगोनोमेट्री को स्टार्ट किया, ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट किया. फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्री इज, इसको डिफाइन किया है ट्राइगोनोमेट्री क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. वी टेक द क्वेश्चन नंबर 6 टू स्टार्ट दिस वीडियो. इस वीडियो के स्टार्ट करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बिकॉज प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऊपर के हो गए थे और अदर क्वेश्चंस वेरी सिंपल हैं जो प्रीवियस वीडियो के हेल्प से आप लोग इजीली कर सकते हैं. वी टेक द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ एक्सरसाइज 8.1. द क्वेश्चन फॉर यू इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स. क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कंडीशन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी यह गिवन है. देन सो दैट, तब हमें प्रूफ करना है, देन so that angle A must be equal to angle B. Very easy questions है, थोड़ा सा different है, इसलिए इस question को मैंने choose किया आप लोगों को करने के लिए. We start as solution. सबसे पहले A और B क्या दिया हुआ है, acute angles दे रखा है. It means हम एक right angle triangle ABC लेंगे जहाँ पे A और B को acute रखेंगे. What it means? It means angle C must be a right angle. तो एक right angle triangle हम बनाएंगे, right angle triangle बनाएंगे जिसमें angle A और angle B acute angle है. तो A और B को acute angle पर डाल देंगे. तो जैसे ही A B acute angle डालेंगे तो अपने आप C जो है वो right angle हो जाएगा. Take a right angled triangle A B C where angle C equal to 90 degree. जैसे हम angle C equal to 90 degree करते हैं, it is obvious that the other two sides of a triangle, that is angle A and angle B, will be acute angle. And given, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A और cos B दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. दिस इंप्लाइज दैट, अब cos A का वैल्यू यानी कि A एंगल लेंगे तो इस एंगल से cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. आपको फर्स्ट वीडियो में जा करके और फर्स्ट वीडियो को वॉच करके जितने भी ट्राइगोनोमेट्री का रेशियोज थे उन सबको लर्न करना होगा. बेसिक वही है, ट्राइगोनोमेट्री तभी आप कर पाएंगे जब आपको 6 के 6 ट्राइगोनोमेट्री का रेशियोज की वैल्यू लर्न हो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की फॉर्म में. तो कॉस ए होता है, कॉस थीटा को होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, दैट इज ए बी. इन सेकेंड केस, दैट इज इन केस ऑफ कॉस बी, कॉस बी के केस में हम देख रहे हैं कि एंगल यहाँ कौन सा लेना है, एंगल बी को लेना है. तो बी वाले एंगल से कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल बी से बेस हमारा हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस फिक्स है ए बी. Now
we see AB and AB should be cancelled out here easily. तो AB को हम क्या कर देंगे, दोनों में से cancel out कर देंगे, AB था. अब AB cancel out होने के बाद, AB cancel out होने के बाद हमारे पास बच जाएगा AC equal to BC. AC equal to BC out. किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. दैट इज AC की अपोजिट एंगल B. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल A. BC का अपोजिट एंगल A और AC के अपोजिट एंगल B. यहां रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट्स एंगल्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट्स एंगल इक्वल हो जाते हैं. दैट इज जो प्रूफ हमें करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमारा रिजल्ट आ गया. और इस तरह से हमने वेरी इजी तरीके से ट्राइगोमेट्री और ज्योमेट्री के कम्बिनेशन से, ट्राइगोमेट्री ज्योमेट्री के हेल्प से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. गुड, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वी टेक क्वेश्चन नंबर 7. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन एज इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8. इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8. cot थीटा की वैल्यू गिवन है. इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना हमें, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, नॉट प्रूफ करना है, फाइंड करना है. 1 plus sine theta into 1 minus sine theta divided by 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. ये तो फर्स्ट पार्ट में हो गया. सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है, यहीं पे नोट कर लेते हैं. हमें cot square थीटा की वैल्यू फाइंड करना है. तो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो इजीली हो जाएगा. cot थीटा दे रखा है 7/8. cot स्क्वायर थीटा का बस इसी को स्क्वायर करें, सेकंड पार्ट ऐसे हो जाएगा 49/64. उसको फाइंड ही नहीं करना, फाइंड हमें इसी को करना है. दैट इज फर्स्ट पार्ट को फाइंड करना है. अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम किए थे. सबसे पहले जो गिवन ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे. गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8. अब cot थीटा का जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में लर्न किए थे. दैट इज 7/8. देयरफॉर बेस 7 एंड परपेंडिकुलर शुड बी टेकन एज 8. कहीं कहीं यहां 7k एंड 8k या 7x और 8x भी लिया जाता है रेशियो के लिए. हम यहां सपोज अगर कर लेते हैं कि इसका ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो वैसे ही सिचुएशन में डायरेक्ट हम 7 और डायरेक्ट 8 लेंगे. यहां रेशियो के लिए k डालने की नीड नहीं है. अब हम क्या करेंगे, रूल क्या है करने का, रूल यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के पहले हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू होनी चाहिए. बट यहाँ हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, तो पाइथागोरस का यूज करके पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. देन बाय यूजिंग पाइथागोरस का
यूज करेंगे, तो पाइथागोरस का जैसे यूज करेंगे तो पाइथागोरस में होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49. अब यहां से देयरफॉर h इक्वल टू 113 का स्क्वायर रूट हो गया. तो यहां से हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड कर लेना, हाइपोटेन्यूस आ गया. करना क्या था, इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में. नाउ वी टेक द फर्स्ट पार्ट, नाउ वी टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन दैट इज प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें क्या फील हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ आइडेंटिटी थर्ड जो है अलजबड़ा का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. इसको a सपोज करते हैं, इसको b था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो पहले उसको हम अप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही डिनोमिनेटर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कन्फर्म हो गया. अब वन का स्क्वायर तो वन ही होता है माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. इट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर. वन माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया. कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर. क्लियर है यहां तक. अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देंगे. वन माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 बन जाएगा. वन माइनस बेस का स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर, यहां हो गया हमारा 49 डिवाइडेड बाई 113. नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. गुड. अब यहीं पे हम इसको फाइनल फिनिशिंग टच दे देते हैं, खत्म करते हैं यहीं पे क्वेश्चन को. 13 आंसर निकल जाएगा, 13 माइनस 113 हो गया, 113 माइनस हो गया यहाँ 64, यहाँ भी एलसीएम 113 माइनस 49. अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 माइनस होगा तो ऊपर बच गया हमारा 49, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा 130 माइनस 49 तो यहाँ 64. और इस तरह से हमारा फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हम लोग आउट कर लेंगे. सेकेंड को फाइंड करने की नीड है कि आप अपने से कर लोगे. क्या फाइंड करना था, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, यहीं पे लाओ मैं कर ही देता हूं. कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट थीटा का 7/8 है और इसका स्क्वायर कर लेंगे दैट इज 49/64. लीजिए दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया था. इस तरह से हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन जो ट्राइगोनोमेट्री का रेशियस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए इसको नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि 8th नंबर क्वेश्चन सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन एकदम सिमिलर है इसी क्वेश्चन के. एथ नंबर क्वेश्चन जो है आपके बुक का 8
पॉइंट वन एक्सरसाइज का, वो सिमिलर है सेवन के जैसा, इसलिए इसको मैं लिव आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, दिस इज द क्वेश्चन नाइन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल है, और राइट एंगल किस पर है, बी पर, यानी किसका एंगल बी 90 डिग्री पर है। इसके साथ साथ इफ टैन ए का वैल्यू दे रखा है 1/√3, देन फाइंड, टैन ए का दे रखा है 1/√3, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका किसका वैल्यू निकालना है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट पार्ट कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल रखते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो एक राइट एंगल बना लिया ए बी सी, बी पर राइट एंगल था इसलिए यहाँ बी डाल दिए 90 डिग्री जहां बन रहा था। अब इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, टैन ए का वैल्यू दे रखा है 1/√3। टैन ए दैट इज ए वाले एंगल से दिया हुआ है, एंगल ए के थ्रू दिया हुआ है। टैन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि वन को परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे और रूट थ्री को बेस कंसिडर करेंगे। तो एंगल वन के थ्रू परपेंडिकुलर यहां हो गया और बेस यहां हो गया। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट ट्रायंगल, दैट इज ए सी को फाइंड करना है बाई यूजिंग पाइथागोरस, थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर ऑफ ए सी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बी ए बी इज रिटन एज स्क्वायर ऑफ ए बी इज रिटन एज रूट थ्री का स्क्वायर। तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे और प्लस बी सी वन है तो वन का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ए सी इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर 1 = 4, देयर फोर ए सी कितना हो जाएगा √4 = 2। तो इस तरह से हमने ए सी का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लिया। जब हमारे पास ए सी का वैल्यू आ गया, अब जो इवेल्युएट करना है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है उसके पास हम जाते हैं। साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए और कॉस सी। तो हम पहले चारों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। जैसे ही इन चारों का वैल्यू निकल जाएगा फिर उस वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर साइन ए, अब साइन ए यानी कि ए एंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, और साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। साइन ए आ गया, कॉस ए निकाल लेते हैं यहीं पे, कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ए वाले एंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए वाले एंगल से बेस हमारा यह हो जाएगा √3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा इतना। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ √3/2, गुड। अब हम क्या निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे, साइन सी।
एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना है। जब हम एंगल सी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो साइड अपोजिट टू गिवेन एंगल, साइड अपोजिट टू गिवेन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ए बी यहाँ परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनियस तो कभी भी चेंज नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा, दैट इज रूट थ्री बाई टू। और इसी तरह जब कॉस सी करेंगे तो कॉस सी में क्या होगा, बेस अपॉन, जब ये परपेंडिकुलर होगा ये हाइपोटेनियस, तो सी के अकॉर्डिंग बेस हमारा बी सी हो जाएगा, बी सी का वैल्यू कितना है वन, तो वन बाई टू, हाइपोटेनियस ऑलवेज कितना है टू है। तो इस तरह से हमने चारों की वैल्यू फाइंड कर लिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब इस वैल्यूज को इन दोनों एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नाउ आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज रिटेन एज साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए का वैल्यू यहां निकला है वन बाई टू, वन बाई टू मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस सी का भी वन बाई टू, प्लस कॉस ए, कॉस ए का हो गया रूट थ्री बाई टू इंटू साइन सी, साइन सी का भी रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। ऑन सॉल्विंग क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमेटर को डिनोमेटर, वन बाई फोर, यहाँ रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री ही होता है, रूट कैंसिल, थ्री बाई फोर, एलसीएम निकालेंगे फोर हो जाएगा, वन प्लस थ्री दैट इज फोर बाई फोर, कैंसिल आउट करके वन, दिस विल बी आवर रिजल्ट। तो इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट फाइंड कर लेना, और सेकेंड पार्ट के लिए हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, नो बी कॉस ए इंटू कॉस सी और साइन ए इंटू साइन सी। अब हम क्या करेंगे, वैसे दोनों वैल्यूज यहाँ से पुट करें, कॉस ए इंटू कॉस सी रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस साइन ए इंटू साइन सी, वन बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू, वेरी सिंपल है, एक स्टेप और, रूट थ्री को मल्टीप्लाई करता है रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर, दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, और इस तरह से यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया जीरो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर नाइन को प्रॉपर वे में किया। बोर्ड में अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो प्लीज इस मेथड को फॉलो करना, और जिस तरीके से यहाँ बनाया जा रहा है उस तरीके से आप लोग बनाते रहें, ठीक है। आगे हम